कोई भी स्कार्फ एक सिंगल लेजर से ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि रिसरफेक्स प्लस फ्लेक्सल सूटों का कॉम्बिनेशन दे, MNRF प्लस और रिसरफेक्स का कॉम्बिनेशन दे। अब मैं काफी कंफर्टेबल हूँ इस चीज के लिए कि मेरे पास में तीन लेजर हैं, तो आई कैन गिव द सुपीरियर रिजल्ट टू माय पेशेंट्स। तो अगर आपके स्किन पे भी एक्ने स्कार्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं और आप ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए अंत तक, आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है इसमें। ओके, उसके बाद अपना एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगीत। तो सबसे पहली बात है कि आपको स्टार्टिंग कब करनी चाहिए एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट की। तो देखिए, एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट तभी हो पाता है जब आपका स्किन बिल्कुल हेल्दी हो, अच्छा हो या पिंपल फ्री स्किन हो। अगर आपको लगता है कि आपकी पिंपल्स अभी भी बन रहे हैं, तो सबसे पहले एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट मत लीजिए। तो मैंने देखा काफी बार कि एक से दो महीने ट्रीटमेंट लेते हैं और जट से काफी लोग होते हैं जो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप एक से लेकर दो महीने तक थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद ही आपका एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि जैसे कुछ टाइनी पिंपल्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर डीप लेयर के अंदर होते हैं, और अगर आपने स्किन के ऊपर आपने ट्रीटमेंट दे दिया, जैसे लेजर ट्रीटमेंट दे दिया आपने स्कार के लिए, तो पिंपल्स बर्स हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको पिंपल्स के स्कार ज्यादा बन जाए। तो उसका ध्यान रखना है, एक से दो महीने का आपको वेट करना है। और दूसरी बात होता है कि एक से दो महीने में आपको हो सकता है कि पिंपल्स धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाए, पिंपल्स मार्क्स बेसिकली। ओके, क्यों होता है क्या कि इसको बोलते हैं हम कोलेजन रिमॉडलिंग। अगर आपका स्किन में कोई डैमेज हुआ है तो हमारा बॉडी अपने आप उस चीज के स्कार को ठीक करने में हेल्प करता है। ओके, तो एक से दो महीने तक आप अच्छा सा वेट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैंने शुरू में बताया था आपको वीडियो में कि हमारा जो स्कार पे जो कोलेजन बनता है ना, वो किस तरह का कोलेजन होता है, अलग तरह का कोलेजन होता है। तो ये मान के चलिए कि स्कार कंप्लीट ठीक नहीं होने वाले। बेसिक जो पर्पस क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं कि मोस्टली होता है जो बैड स्कार होते हैं वो गुड स्कार में चेंज होते हैं, और सेकंड कह सकते हैं जो डीप स्कार होते हैं वो शैलो स्कार में चेंज होते हैं। इन जनरल कह सकते हैं कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। और दूसरी बात होती है कि आपके जो जितने भी एक्ने स्कार के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सीटिंग बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं। ओके, आप कभी ये मत सोचिए कि एक से दो महीने में ठीक हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं होता इस चीज़ को ठीक कर ऐसे करना। तो मोस्टली सीटिंग्स होती है, 4 से लेकर 10 सीटिंग होती है, और अलग अलग तरह के लेजर्स, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स उसके अंदर कह सकते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं आपके डॉक्टर। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। कहीं पर भी अगर कोई भी डॉक्टर एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा वो दोनों लेयर को ठीक करने के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट आपके स्किन के अपर लेयर को इम्प्रूव करना, सेकेंड होता है कि स्किन के डीप लेयर को इम्प्रूव करना। जितने भी खड्डे वाले पार्ट होते हैं, डिप्रेशन वाला पार्ट होता है, बेसिकली वो डीप लेयर को ठीक करने के लिए होता है। कुछ अगर आपके कह सकते हैं कि जो कलर चेंजेस वाला पार्ट है, तो मोस्टली क्या होता है कि अपर लेयर के ऊपर वो कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है। तो अपर लेयर पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं बेसिकली, जैसे मेडिसिनल पार्ट, जहाँ मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है अपर लेयर के लिए। सेकेंड होता है जैसे कि कुछ पीलिंग ट्रीटमेंट्स होती है जो कि आपकी हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मेडिसिन से पील हल्का सा कह सकते हैं कि रिसरफेसिंग करती है। तो अगर आपके शेलो स्कार से, बहुत छोटे छोटे स्कार से, ज़्यादा डीप स्कार नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप सिर्फ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ स्कार ऐसे होते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो कि मुझे लेजर नहीं लेना है डॉक्टर, आई वॉन्ट टेक काइंड ऑफ ए पीलिंग ट्रीटमेंट और आई वॉन्ट टू जस्ट अप्लाई द मेडिसिन। तो ये आपके लिए अपर लेयर का हो जाएगा। अगर डीप लेयर की बात करें बेसिकली, तो डीप लेयर को हमें कंट्रोल डैमेज करना पड़ता है। देखिए, कंट्रोल डैमेज का मतलब ये होता है कि हम उसको अच्छे से, जितने डेप्थ तक हमें डैमेज करना उतना ही हो। आपको कभी भी ज्यादा हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पिंपल्स होते हैं तो उसको वहीं पे सेटल करना है। अगर आपने हाथ किया या फिर स्क्रैच किया, तो डेफिनेटली वहां पे आपके पिंपल बढ़ सकते हैं। ओके, तो एक कंट्रोल्ड डैमेज होना जरूरी है। और कंट्रोल डैमेज करने के लिए कुछ डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ मैकेनिकल डिवाइसेज होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं डर्मा रोलर। ओके, काफी आपने वीडियो देखे होंगे डर्मा रोलर के। लेकिन डर्मा रोलर का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली, वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा कि डॉक्टर, क्या हम यूज कर सकते हैं डर्मा रोलर अपने घर पे? तो ऐसे डिवाइसेज आती है जैसे जिसमें 0.5 मिलीमीटर डेप्थ की डर्मा रोलर आते हैं, लेकिन मान के चले कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो आप ट्राई टू अवॉइड इट। सेकेंड होता है, उसको बोलते हैं डर्मा पेन। ये बेसिकली एक मोटराइज्ड डर्मा रोलर होता है। ओके, आप देख पा रहे हो ये इस तरह से कुछ काम करता है, और ये आपके स्किन को हल्का सा एक अच्छी डेप्थ तक कह सकते हैं कि डैमेज करने का काम करता है। तो ये हो गया मैकेनिकल डैमेज। एक थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा ओल्डर डिवाइस हो सकती है आपके लिए। ओके, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एड कर सकते हैं, जैसे कि लेजर वाला पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है बेसिकली लेजर्स। फर्स्ट होती है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। आप ये जो देख पा रहे हैं बेसिकली, ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर का ट्रीटमेंट हो रहा है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ रेज होती है हमारे स्किन के अंदर जो कि जाती है और एक कंट्रोल्ड डेप्थ तक आपका डैमेज करती है स्किन को और कोलेजन का इंडक्शन करती है। सेकंड होता है, उसको बोलते हैं रिसरफेक्स लेजर। ये एक रिसरफेक्स का होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका स्किन ऊपर से बिल्कुल डैमेज नहीं होता है, एक अच्छी सी एनर्जी आपके स्किन में जहाँ डिजायर्ड एरिया है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर कोलेजन का इंडक्शन करने में हेल्प करती है। थर्ड होता है, उसको बोलते हैं MNRF। देखिए, मैकेनिकल डैमेज आपके पास में हो गया, सेकंड हो गया आपका थर्मल डैमेज, या फिर कह सकते हैं कि लेजर से डैमेज। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर मैकेनिकल प्लस थर्मल दोनों डैमेज होता है। ओके, उसको बोलते हैं MNRF। बेसिकली ये एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस प्लस कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डैमेज दोनों है। ओके, इसके अंदर एक RF एनर्जी होती है और साथ में पिंस होती है। ये जो ट्रीटमेंट आप देख पा रहे हो बेसिकली, ये ट्रीटमेंट एक तरह का MNRF का ट्रीटमेंट है, जो कि माना जाता है कि थोड़ा सा सुपीरियर होता है चीज़ों से। तो ये जो ट्रीटमेंट थे बेसिकली वो थे आपके कह सकते हैं कि एनर्जी बेस्ड या मैकेनिकल या फिर डैमेज बेस्ड आपके जो ट्रीटमेंट थे। अब
कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जो कि सर्जिकली आपके डॉक्टर कर सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करेगा कि डॉक्टर कह सकता है कि अगर आपको लगता है कि इसका ज़्यादा डीप है तो डेफिनेटली वहाँ पर सर्जिकल पार्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि पंच एक्सीजन करके, पंच को एक्साइट करके, उसके बाद एलिवेट करके उसको, या फिर पंच को करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं आपके ग्राफ्ट से। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। मोस्टली देखा गया कि जो बॉक्स स्कार होते हैं या फिर आइस पिक स्कार होते हैं उसके अंदर किया जाता है। लेकिन ये टोटली जो डिसीजन होता है बेसिकली आपके डॉक्टर का होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट और किस किस तरह का ट्रीटमेंट और कौन सा सर्जिकल पार्ट, कौन सा नॉन सर्जिकल पार्ट आपके लिए ऐड कर रहे हैं आपके स्कार को ठीक करने के लिए। आइस पिक स्कार होते हैं उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं TCA क्रॉस। ओके, इसमें एसिड का यूज होता है। और उसी तरह से जैसे हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है तो उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे 5FU+ या फिर कुछ स्टीरॉयडल इंजेक्शंस होते हैं जो आपके स्कार को ठीक करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। ओके, तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नाम बताए हैं, इनका हर एक अलग अलग मैंने वीडियो बना रखा है तो उसको आप ज़रूर देखना। ओके, ताकि आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाए। देखिए, ट्रीटमेंट का होना या नहीं होना, कौन सा करना है ये तो डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट और कुछ प्रैक्टिकल वाला पार्ट। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल पार्ट मेरी तरफ से आपको ऐड करता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको उम्मीदें करना चाहिए। ओके, किसी भी डॉक्टर से अगर आप मेरे पास में आ रहे हैं तो भी ये जरूर वीडियो देख के आइए और इसको समझ के आइए आप, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर, मेरे स्कार कितना परसेंट ठीक हो जाएंगे, क्या ये 100% चले जाएंगे, या ऐसा कुछ है कि आप 99% या फिर 80% कितना ठीक हो सकता है। तो देखिए, ठीक होना ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन किस तरह का है। ओके, सेकंड है कि स्कार किस टाइप के हैं और कितने डीप है। जितने शैलो स्कार होंगे डेफिनेटली ट्रीटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होगा। सेकंड है कि अगर आपका स्किन पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर लाइट स्किन है तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपका स्किन रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए, जितने भी आपका लेजर बेस्ड डिवाइसेस वगैरह है ये क्या करेंगे, बेसिकली आपके स्किन को डैमेज करने का काम करेगा। कोलेजन बनाने का काम कौन करेगा, बेसिकली आपका स्किन करेगा। ओके, 50% पार्ट आपका लेजर का होता है और 50% पार्ट आपके स्किन का होता है। तो आपका स्किन अगर अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट अच्छा आएगा। लेकिन इन जनरल मैंने देखा है विद माई एक्सपीरियंस कि रफली 40-60-70% तक आपका रिजल्ट आता है। किसी का स्किन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा तो रफली मैंने देखा कि 30-40% रिजल्ट आ पाता है। और कभी कभार देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली 70-80% तक भी रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर, आपके पास कौन कौन से लेजर्स हैं और आपने वो लेजर क्यों ली है इतनी। देखिए, मेरे पास में जो मैंने बताई थी, फ्रैक्शनल CO2, सेकेंड MNRF और थर्ड रिसर्फेक्स, मैंने तीनों बताई थी स्किन केयर क्लिनिक पे तीनों लेजर से। ओके, और ये तीनों लेजर मैंने क्यों रखी है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। देखिए, मान के चलिए कि कोई भी स्कार एक सिंगल लेजर से कह सकते हैं उतना अच्छे से ठीक नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम मुझे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हो सकता है कि रिसर्फेक्स प्लस फ्रैक्शनल CO2 को कॉम्बिनेशन दें आपको, या हो सकता है कि आपको रिसर्फेक्स प्लस MNRF का कॉम्बिनेशन दें, वो हो सकता है कि तीनों का। तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं अपने पेशेंट को ज़्यादा अच्छे से स्कार का ट्रीटमेंट दे पा रहा हूँ। ओके, तो जब मेरे पास में एक लेज़र था तो डेफिनेटली मुझे लगता था कि उसकी कमी है। तो अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे पास में तीन लेज़र हैं, तो आई कैन गिव द सुपीरियर रिजल्ट टू माय पेशेंट्स। उम्मीद है कि आपको सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है, डेफिनेटली उसको आप ज़रूर देख लीजिए। किसी को भी स्कार है, किसी को भी, चाहे फ्रेंड्स को या फिर किसी और को भी स्कार है, ब्रदर को स्कार है, सिस्टर को स्कार है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर आपको दिखाना है ताकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उनके लिए। ओके, और डॉक्टर वो ट्रीटमेंट क्यों देना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।